हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभदीप। वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल में MySQL इंटरव्यू सीरीज जो चल रहा है, उसके अंडर आज हम जो क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं वो है फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर मैनेजर ID 1। तो इधर जो बोला गया है उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, वो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो मैनेजर ID 1 के अंडर नहीं आते हैं उन लोगों का सैलरी मैनेजर ID 1 के अंडर आने वाले सब लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं वो देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये Office 1 डेटाबेस है, उसके अंडर ये टेबल्स जो है कॉन्टैक्ट्स डेजिग्नेशन एम्प्लॉय, ये हम एम्प्लॉय टेबल को ले लेते हैं। पहले तो आपको दिखा देते हैं इस टेबल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इधर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी एंड मैनेजर ID है। तो हमको क्या निकलना है, हमको निकलवाना है कि जिस जिसका मैनेजर ID 1 है, ठीक है, जिस जिसका मैनेजर ID 1 है, बाकी जो लोग हैं ना जिसका मैनेजर ID 1 नहीं है उनका सैलरी ये जो मैनेजर ID 1 वाले लोगों हैं उन लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेरी को हम कैसे परफॉर्म करने वाले देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर ID इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जिसका मैनेजर ID 1 नहीं है उन लोगों का ही रिजल्ट आया 21, 8, 19। तो इन लोगों का सैलरी जो मैनेजर ID वाले लोग हैं उन सबके सैलरी से ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं मैनेजर ID 1 वाले लोग 55,000, 68,000, 63, 64। ठीक है, और ये जो है ये लोग सबसे ज़्यादा है उन सबसे ज़्यादा है 75,000, 1,35,000, 70,000, 75,000। तो ये जो हम क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको मल्टी रो सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सब क्वेरी है, पहले तो आप जानते ही होंगे सब क्वेरी जो होते हैं वो इनर क्वेरी पहले चलता है, ये क्वेरी पहले चलेगा उसके बाद आउटर क्वेरी चलेगा। तो पहले तो इसका रिजल्ट आया सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर ID 1। ठीक है, जब इसका रिजल्ट आ गया उसके बाद आउटर क्वेरी परफॉर्म हुआ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। तो आप पहले एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालिए जहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, कहाँ से ऑल सैलरी, जो सैलरी है ऑल सैलरी, कौन सा ऑल सैलरी, ये वाला सैलरी से ऑल जो सैलरी होगा उससे ज़्यादा होगा ये वाला सैलरी। ठीक है, इसको मल्टी रो सब क्वेरी बोलते हैं, मल्टी रो सब क्वेरी। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेरी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो इसलिए हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।